सीएल में आग दुर्घटना मुद्दे जानकारी मिली रही है। एक मृतक दिबंत परिवार गत रात की घटनास्थल पर है। कंपनी सत्ताधीशों कोई जवाब न आपता होवानो आक्षेप है। सुरक्षा ने लईने पण कंपनी संचालकों पर परिवारजनों गंभीर आरोप लगावी रहा है। मृतकना परिजनों ने योग्य वर्तर मळे तेवी मांगणी करवामां आवी रही छे। गत राते आयोसीएल कंपनी में भीषण आग लागी हती। राते 3:30 वागे आगने काबू में लेवाई हती। आगनी घटना में बेना मौत थया छे, 3 घायल छे। दिमंत मकवाणा अने शैलेश झाला नामना बे व्यक्तिना मौत थया। बन्ने मृतकों एक कोयली गामना रहेवासी होवानुं सामे आव्युं। आईओसीएल रिफाइनरी में गई काले बपोरे अने त्यारबाद रात्रे बे अलग अलग समय ब्लास्ट साथे आग लागी हती। तेने कारणे अफरातफरीनो माहौल सर्जायो हतो। बे व्यक्तिना मौत थया छे अने एक हजू पण आईओसीएल ना ऑफिसर इजाग्रस्त छे। जे आईओसीएल रिफाइनरी छे तेनी आसपासना लगभग 3-4 किलोमीटर सुधीना विस्तार में आ ब्लास्टनो अवाज संभळायो हतो अने तेनी तीव्रताने कारणे भारे भूकंप जेवी स्थिति लोकोए अनुभवी हती। अहींना जे स्थानिक लोको छे तेओनी साथे वात करीशुं। रिफाइनरीनी बरोबर बाजूनी अंदर जे दुकानदारो छे, जे मालिको छे, तेओनी साथे वात करवानी कोशिश करीशुं कि जे समय घटना घटी ते समय शुं स्थिति हती। उस वक्त जब दोपहर को ब्लास्ट हुआ तब आप यहीं पर थे, तो क्या हुआ था? एकदम भड़ाका हुआ तो ऐसा लगा कुछ बम फटा है, ऐसा दुकान के पत्रा भी हिल गए थे, ऐसा महसूस हुआ। पूरा धुआं धुआं ही हो गया था। डर जैसा लगता था? डर तो कुछ नहीं था, नॉर्मल ही ऐसा था। अपने को लगा कचरा जल रहा है, धुआं होने के बाद ब्लास्ट हुआ है। अच्छा। हाँ, तो फिर शाम को भी एक ब्लास्ट हुआ था? शाम को उस टाइम नहीं पता चला। दुकानदारों से तीवनी साथे पर बात करीशू, आप भी यहीं पर थे? 3:30-4 बजे के आसपास शाम है, तो उस समय एक धमाका सा हुआ, तो अपने को लगा कि कोई हमेशा इधर बंदर वंदर आते रहते हैं, तो पत्रे के ऊपर ऐसा लगा कि बंदर कूदा। फिर बाद में हम लोग थोड़ी देर के बाद ऐसा हुआ तो फिर क्या बोलते हैं फायर ब्रिगेड वाले सब आने जाने लगे, तो ऐसा लगा कि मतलब कुछ हुआ है अंदर। क्या वजह बताई जाती है आपको, क्या कारण? नहीं है वजह तो जो अंदर है वही बता सकता, अपने तो बाहर हैं, अंदर में कोई जा नहीं सकता ऐसे बिना गेट पास का, इसलिए अपने इसके बारे में नहीं बोल सकते कि क्या कारण था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ। लोगों में भयनो माहौल जरूर थी फैलायो तो, कारण कि 3-4 किलोमीटर सुधीना विस्तार में अने जे कोयली गामनो जे रहनाक विस्तार छे त्यां पण आ अवाज संभळायो हतो अने लोगों में भयनो माहौल सर्जायो हतो। जो कि बाद में लोगों ने स्थिति इनो ख्याल आवी गयो हतो कि रिफाइनरी नी अंदर कोई दुर्घटना घटी छे अने तेने कारणे आ ब्लास्ट थयो छे। कैमरामैन इमरान शेख साथे यूनुस गाजी, TV9, वडोदरा।